नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। मैं यानी प्रतीक भट्ट आज लेकर आया हूँ एक विशेष टॉपिक। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैंने जैसा कि बताया था, नौ दिन नौ माताओं का स्वरूप होता है और वो नौ माताएं नौ ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नौ ग्रहों के दोषों को दूर किया जा सकता है माँ दुर्गा जी की पूजा करके। तो कैसे वो पूजा कर सकते हैं, क्या वो पूजा कर सकते हैं, कौन सा वो फूल चढ़ाना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि वालों, माता भवानी की पूजा करनी चाहिए, लाल फूल माता को चढ़ाना चाहिए, सफेद मिष्ठान अर्पण करना चाहिए, साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो पंचमेवा सुपारी, सफेद चंदन और सफेद कलर का फूल चढ़ाना है माँ दुर्गा को, साथ ही सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। इस नवरात्र आपके लिए भी बहुत शुभ है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। माँ दुर्गा को केला, फूल, धूप, खास तौर से हो सके तो नारंगी कलर के फूल चढ़ाइएगा। माता के दरबार में कपूर से उनकी पूजा करिएगा। ओम शिव सक्तेह नमः, इसका 108 बार जाप करिएगा। सारे ग्रह दोष, सारे नौ ग्रहों की दिक्कतें दूर होंगी आपकी इस नवरात्रि। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। माँ भवानी को बताशा, चावल और दही चढ़ाएं, साथ ही हर रोज माँ लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ करें। ऐसे में आरोग्यता की प्राप्ति होगी, विवाह की दिक्कतें खत्म होंगी, नौ ग्रहों की समस्याएं खत्म होंगी। सिंह राशि वालों, माता रानी को तांबे के पात में रोली, चंदन, केसर और कपूर से आरती उतारें, साथ ही हर रोज माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ की मंत्र का पांच माला ओम सर मंगल मंगले सेवे सर्वासाथ के सरणतम की गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का पाठ करें, बहुत बेहतर है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। माँ भवानी की आराधना करनी है, फल, हरे फल चढ़ाने हैं, पान पत्ता गंगा जल अर्पित करना है, साथ ही हर रोज एक माँ माला माँ लक्ष्मी की ओम महालक्ष्मीपत्या नमः और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। धन संबंधी सारी समस्याएं, ग्रह के दोष खत्म होंगे ऐसा करने से। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। माँ दुर्गा को दूध, चावल, लाल चुन्नी चढ़ाएं, इसके बाद देसी घी की से माँ की आरती का पाठ करें, साथ ही हर रोज दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करें, कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावना रहे। वृश्चिक राशि वालों, लाल फूल चढ़ाना है माँ को, गुड़, चावल, चंदन से उनकी पूजा करनी है, इसके बाद कपूर से माँ की आरती उतारनी है और हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ नौ दिन जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों को माता को हल्दी, तिल का तेल, केसर, पीले फूल अर्पित करने हैं, साथ ही हर रोज श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है, शनि की साढ़े साथी से भी निजात मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। माँ दुर्गा को सरसों का तेल का दिया, धूप, फूल, चावल, कुमकुम अर्पित करना है, हलवे का भोग लगाना है, हर रोज निर्वाण मंत्र का सुबह शाम जाप करना है। तो छोटा सा काम आपको नौ ग्रहों के दोषों से मुक्ति दिलाएगा। कुंभ राशि वालों, माँ भवानी को फूल, कुमकुम, तेल का दीपक और फल अर्पित करें, साथ ही हर रोज देवी कवच का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मीन राशि वालों को जगत जननी माँ को हल्दी, चावल, पीले फूल, केले के साथ पूजन करना है, साथ ही हर रोज माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करना है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, सारे ग्रहों से की जो समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, अगला एक साल बेहतर बीतेगा। तो ये था नौ ग्रह, नौ वरदान, नौ मंत्र, किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से नौ ग्रहों की जो समस्याएं हैं राशि वाइज उनसे मुक्ति पानी है। तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और तक पहुंचाइएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।